दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार ने यहाँ पे बहुत बड़ा रिवाइवल पैकेज बीएसएल को दिया, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा बीएसएल के अंदर जान डालने के लिए सरकार ने इतना सारा बोलते ना पैसों की यहाँ पे बरसात कर दी है। एक और दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है बीएसएल के लिए, सरकार ने यहाँ पे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिया बीएसएल को, कितने का, 1-2 हजार करोड़ का नहीं, 26,316 करोड़, ऑलमोस्ट 26,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जहां पे बीएसएल पूरे भारत में दोस्तों यहां पे जहां ऐसे ऐसे गांव जहां पे 4G नहीं है वहां पे 4G लेके जाएगा। यह सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, कैसे बीएसएल को मिला है सरकार, दोस्तों क्यों बीएसएल में इतनी मेहरबान, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF फंड सरकार की दोस्तों एक फंड है जिसमें ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ है। ये फंड कहां काम आता है, सरकार दोस्तों टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन जगहों पे, मतलब आदिवासी एरिया, नक्सल प्रभावित एरिया, पहाड़ी एरिया जहां पे टावर ही नहीं है, जहां पे नेटवर्क पहुंचा ही नहीं है, अगर है तो 2G 3G चलता है, वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, फाइबर पहुंचाने के लिए दोस्तों सरकार ये USOF फंड को यहां पे यूज करती है। और सरकार जियो, एयरटेल, बीएसएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप यहां पे टावर लगाओ, हम आपको अपने जेब से पैसा देंगे। बीच में दोस्तों बीएसएल ने कंप्लेन की थी सरकार को, बोली थी मेरी पहले से हालत टाइट है और आप हमें कॉन्ट्रैक्ट ना देने की जगह जियो एयरटेल को देते हैं, क्योंकि जियो एयरटेल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन अब दोस्तों सरकार ने एक बड़ा तोहफा यहां पे बीएसएल को दिया है, सरकार ने कैबिनेट ने दोस्तों अप्रूव किया ऑलमोस्ट 26,316 करोड़ का पैकेज, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिया है यहां पे किसको, बीएसएल को, जिससे बीएसएल यहां पे हजारों ग्रामीण विस्तार के अंदर 4G टावर लगाएगा। स्क्रीन में देख सकते हैं कैबिनेट अप्रूव्स ₹26,316 करोड़, 26,316 करोड़ का प्रोजेक्ट दोस्तों यहां पे दिया है। 4G सर्विस दोस्तों अनकवर्ड विलेजेस, वो ऐसे गांव जहां पे अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा वहां पे पहुंचाने के लिए यूनियन कैबिनेट दोस्तों यहां पे उन्होंने अप्रूव कर दिया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहां पे 4G मोबाइल सर्विस, यहां पे अनकवर्ड विलेजेस 26,316 करोड़ का दोस्तों प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, ये यहाँ पे बीएसएल को दिया है। गवर्नमेंट दोस्तों हमें 4G सर्विस पहुंचाना चाहती है 24,680 विलेजेस दोस्तों, ऑलमोस्ट 24,500 गांव में जहां तक अभी तक 4G पहुंचा नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, वहां पे दोस्तों यहां पे पहुंचाने के लिए ऑलमोस्ट 26,500 करोड़ का पूरा एक बजट यहां पे बनाया था जो दिया है। अब यहां पे दोस्तों बात की जा रही है कि 20% विलेजेस जो होंगे दोस्तों यहां पे और यहां पे इंक्लूड कर दिए जाएंगे, वैसे होंगे जो रिहैबिलिटेशन होंगे दोस्तों, मतलब कहीं से विस्थापित होते हैं ना, यहाँ बांध बन रहा है चले गए, वैसे विलेजेस होंगे, नए सेटलमेंट्स होंगे, विड्रोल्स ऑफ सर्विस एग्जिस्टिंग ऑपरेटर दोस्तों, पहले अगर कोई था वो चला गया तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, जब पहले नेटवर्क हुआ था, आजकल नहीं है, वो आ जाएंगे। ये सबके सब दोस्तों 6,280 विलेजेस ऐसे हैं, ये भी इसमें आ जाएंगे। और 2G 3G जो सो यहाँ पे चलता था 2G 3G, ये दोस्तों अपग्रेड करके 4G में कर दिया जाएगा। ऐसे भी दोस्तों यहाँ पे विलेजेस हैं, इन सबको भी दोस्तों इसमें डाला गया है, तो ऑलमोस्ट टोटल जो विलेजेस होंगे ऑलमोस्ट 24,500 विलेजेस है इंक्लूडिंग ये सब, इन सब में दोस्तों 4G कनेक्टिविटी लानी है। ये किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, बीएसएनएल को दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सरकार की तरफ से दिया गया। बीएसएनएल दोस्तों यहाँ पे जो है इसको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF फंड के तहत दोस्तों यहाँ पे दिया गया, और जिससे दोस्तों बात की जा रही है आने वाले 5 साल के अंदर दोस्तों डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा आने वाले 5 साल के अंदर। दोस्तों USOF फंड दोस्तों ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ का, जिसके अंदर सरकार इस तरह की चीजें यहाँ पे करती है। अब सरकार दोस्तों यहाँ पे फिदा है और बोलते ना कि मेहरबान है यहाँ पे बीएसएल के ऊपर, पहले 1,64,000 करोड़ का यहाँ पे रिवाइवल पैकेज दे दिया, अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर से क्या दे दिया, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिससे बीएसएल के अपने पैरों पे खड़ा हो सके, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर यहाँ पे 1-2 साल 3 साल के अंदर 2025-26 तक बीएसएल को हम कमाऊ बेटा बनाने ले, वो कमाने लग जाए, अभी कमाता नहीं नुकसान ही ज्यादा करता है। तो इस सबसे बड़ी खबर थी दोस्तों कि एक तरफ भारत सरकार यहाँ पे 4G स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिव में दे रही है, 5G स्पेक्ट्रम दे रही है, बिंदास ले लो आप, टीचर्स जैसी कंपनी के साथ इसका दोस्तों सेटिंग करा रही है, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का दोस्तों यहाँ पे रिवाइवल पैकेज दे रही हो, दूसरी तरफ दोस्तों अपने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी अब यहाँ पे बीएसएल को दे रही है। इतना सब कुछ जब भारत सरकार बीएसएल के लिए कर रही है, तो क्या बीएसएल का फर्ज नहीं बनता कि जल्द से जल्द दोस्तों इन सारी चीजों को निपटाया जाए, जल्द से जल्द अपना 4G 5G मार्केट में लाया जाए, सबसे जल्द से जल्द दोस्तों अपने नेटवर्क के बदौलत जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को टक्कर दी जाए। मुझे नीचे कमेंट करके जो बताना आपको क्या लगता है कि बीएसएल क्या ये सब कर सकेगा, ये सरकार जो इतना सारा पैसा लगा रही है ना वो एक अंधे कुएं में चला जाएगा और सबका सब गायब हो जाएगा, बीएसएल जैसा है वो वैसा ही रहेगा। मुझे नीचे कमेंट करके जो बताना फ्रेंड्स, और वीडियो को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगाओ थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, तो जल्दी से दबा दीजिए। इसके पास सीखे का घंटे का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाना चाहिए, जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज इस घंटे के बटन को भी जो दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पर
नॉलेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना फैमिली, एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।